अगर आप एक सही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं तो ये राइट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं दिसंबर 2021 में और हम बहुत गति के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर खुद आगे बढ़ते रहेंगे, अपने अंदर से अपने आप को आगे मजबूत करते रहेंगे, तो बिजनेस भी अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। कि आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंजेस आएगा वो आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। समस्या जितनी बड़ी आपको लगेगी उसी के अनुपात में आपको उसमें अवसर होता है, वो आपको बस दिखाई देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वत्स पिछले 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। मैंने संस्कृत से अपनी पढ़ाई की, पहले मैंने बीएड किया और बीएड करने के बाद में जब मैं अप्लाई कर रहा था एक टीचर के लिए हरियाणा गवर्नमेंट में, तो मुझे ये मालूम चला कि संस्कृत अध्यापक के पद पे मुझे नौकरी मिल सकती है और संस्कृत अध्यापक इसी पद से रिटायर होता है, यानी उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती, वो हेडमास्टर नहीं बन सकता, वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नहीं बनता, वो और बड़ी लेवलों पे नहीं जा सकता। ये नियम था, मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 25 साल पहले के। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत लाइन चूज़ कर ली है, एक ऐसी लाइन जिसमें मैं कितनी भी मेहनत करूं और कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। मैं जिस लेवल से शुरू कर रहा हूं उसी लेवल पे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, उसी लेवल से रिटायर होना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता था, मैं पढ़ाई पूरी कर सकता था, लेकिन ये एक पॉइंट मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंजेस आएगा वो आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। समस्या जितनी बड़ी आपको लगेगी उसी के अनुपात में आपको उसमें अवसर होता है, वो आपको बस दिखाई देना चाहिए। जिस प्रकार एक सिक्का है, उस सिक्के के दो पहलू हैं, हमें सिर्फ एक पहलू दिखता है, एक हिस्सा दिखता है, लेकिन हमें मालूम है कि उसका दूसरा हिस्सा भी है, क्योंकि उसके बिना वो बन नहीं सकता। तो उसी प्रकार से जब भी आपकी ज़िंदगी में समस्याएं आएँ तो ये मान के चलिए कि उसकी दूसरी साइड में एक अवसर है और उसी अनुपात में है। समस्या छोटी तो अवसर छोटा, समस्या बड़ी तो अवसर बड़ा। और ये मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मैंने एक ऐसी पढ़ाई की है जिस पढ़ाई से, नौकरी से मैं ज़िंदगी में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगा कि मैंने ये काम नहीं करना है। हालांकि मैंने एक साल तक मैंने नौकरी की, लेकिन उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने ये काम नहीं करना है, मैंने ऐसा काम करना है जिस काम करने से प्रोग्रेस हो, प्रगति हो, उन्नति हो, मैं मेहनत करूं और मेहनत करके कोई लिमिट नहीं हो मेरे सामने। उस समय मैं नहीं जानता था कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आपकी योग्यता के अनुसार देगा, आपकी चाहत के अनुसार देगा। जितनी बड़ी आपकी चाहत है और जितना आप अपने आप को डेवलप करते जाएंगे उतनी हाइट्स पे आप चले जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिला और मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया। और स्पेशली जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक सही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं तो ये राइट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं दिसंबर 2021 में और हम बहुत गति के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा जो स्ट्रगल का दौर था, जो एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए शुरुआती स्टेज थी, वो हमने भी क्रॉस कर ली है। बस आपने यहाँ पे एक काम करना है, समय के साथ साथ आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी योग्यता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी योग्यता और अपनी पात्रता को बढ़ाते जाएंगे तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आप 500 रुपया महीना इस इंडस्ट्री से ले रहे हैं शुरुआत में, और जिस दिन आपको लगेगा कि आपको 5000 रुपया महीना मिलना चाहिए, आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, मेंटली भी उस चीज़ के लिए कर लिया है और स्किल्स आपने उस प्रकार की डेवलप कर ली हैं, तो इंडस्ट्री आपको 5000 रुपया महीना देने लग जाएगी। जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपको 50000 रुपया महीना चाहिए, आप 50000 के योग्य हो गए हैं, आपको 50000 मिलने की शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन आपको लगेगा कि आपको 5 लाख रुपया महीना मिलना चाहिए, ये इंडस्ट्री आपको 5 लाख देगी। और जिस दिन आपको लगेगा कि 50 लाख मिलना चाहिए, ये इंडस्ट्री 50 लाख रुपया महीना देगी। बस अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपके सामने कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा तय नहीं की है। सीमा तय अगर आप करेंगे तो आप खुद तय करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए सीमा तय नहीं करेगा।
और यही इसकी खूबसूरती है। बस ज़रूरत इसकी है कि आपका बिज़नेस बढ़े, आप ज़्यादा समय दे रहे हैं तो उसके साथ में अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आपकी व्यक्तित्व में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्या आपने उन स्किल्स को सीखा है जो स्किल्स इस बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर खुद आगे बढ़ते रहेंगे, अपने अंदर से अपने आप को आगे मजबूत करते रहेंगे तो बिज़नेस भी अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। तो सबक यही है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आए तो उसी अनुपात में अवसर है। और दूसरी चीज़ ये कि काम ऐसा कीजिए जहाँ पे कोई लिमिट नहीं हो, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकें। विश ऑल द बेस्ट।